नमस्कार दोस्तों, राजस्थान मौसम विभाग की ताज़ा खबर में आपका हार्दिक स्वागत है। इस चैनल के माध्यम से आपको राजस्थान मौसम विभाग की छोटे से बड़ी सभी प्रकार की न्यूज़ हम टाइम टू टाइम अपडेट कराते रहते हैं। दोस्तों, यहां पर आपको वही न्यूज़ दी जाती है जो भारतीय मौसम विभाग ने राजस्थान में दर्शाई है। अभी अभी जोधपुर संभाग के ज़्यादातर जिलों में गहरे काले बादल पहुँच चुके हैं और दोस्तों, इन बादलों से आगामी कुछ ही घंटों में जोधपुर संभाग के ज़्यादातर जिलों में भारी बारिश की संभावना जताई जा रही है। संपूर्ण जानकारी हम आपको बिल्कुल विस्तार से समझाएंगे, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। यदि दोस्तों आप हमारे इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी ऑन कर लीजिए ताकि हमारे द्वारा डाला गया पल पल का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहे। तो दोस्तों, बात करते हैं जोधपुर संभाग के। तो दोस्तों, जोधपुर, जैसलमेर, इसके अलावा दोस्तों बाड़मेर और नागौर जिलों में कुछ स्थानों पर गहरे काले बादल आ गए हैं, जिन बादलों के कारण आपको देर रात तक यहां पर अच्छी खासी बारिश देखने को अवश्य मिलेगी। साथ ही दोस्तों, आगामी 3 से 4 घंटों में इन जिलों में आपको मौसम में अचानक से बदलाव देखने को मिलेगा और दोस्तों, यहाँ पर तेज़ आंधी और तूफान चलने के साथ कुछ स्थानों पर बिजली गिरने की भी प्रबल संभावनाएं जताई गई हैं। काफ़ी दिनों से तेज़ चिलचिलाती धूप और उमस के कारण पश्चिमी राजस्थान के लोगों का हाल बेहाल है। प्री मानसून ने अब पश्चिमी राजस्थान के इन जिलों में भी दस्तक देकर गहरे काले बादल यहाँ पर पहुँच चुके हैं, जिसके कारण अब संपूर्ण पश्चिमी राजस्थान में भी खुशी की लहर दौड़ने वाली है। दोस्तों, वहीं अगर मानसून की बात करें तो पश्चिमी राजस्थान के इन जिलों में मानसून से अब की बार अच्छी खासी बारिश अवश्य देखने को मिलेगी। राजस्थान मौसम विभाग ने पश्चिमी राजस्थान के जोधपुर संभाग के जिलों में हाई अलर्ट जारी करते हुए बताया कि आगामी 3 से 4 घंटों और देर रात तक आपको अच्छी खासी बारिश देखने को मिलेगी। साथ ही दोस्तों, यहाँ पर तेज़ आंधी और तूफान, और दोस्तों यहाँ पर जो आंधी और तूफान की स्पीड है वह 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से बताई जा रही है। दोस्तों, राजस्थान के मौसम में जैसे ही कोई अचानक से बदलाव आता है तो सबसे पहले हम आपको इसी चैनल के माध्यम से